सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर, आग जब भी लगती है तो सिक्योरिटी गार्ड का कर्तव्य बनता है मौके वारदात पे पहुंचकर आग को बुझाना है। फायर एक्सटिंग्विशर आपको चलाना आना चाहिए। आग कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। शाबाश। आग क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया। शाबाश। आग किन चीजों से पैदा होती है? 3 चीजों से। फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के है? 3। एक फायर एक्सटिंग्विशर का नाम बताओ। एलपीजी गैस। CO2। एक फायर एक्सटिंग्विशर का नाम बताइए। CO2। वो तो बोल दिया मैं, और दूसरा बताओ। आप कहाँ ध्यान देते हो? फायर एक्सटिंग्विशर के नाम नहीं मालूम आपको? बोलो। नंबर 1, सावधान हो जा, सावधान हो जा। बोलो CO2। CO2। बोलो आप भी CO2। लिक्विड फॉर्म। बोलो लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म। ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर। कल याद करके आना नाइट के अंदर दोनों जन। हाँ, पूछ लेना किसी से भी। फायर एक्सटिंग्विशर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ड्राई पाउडर, नंबर 2 CO2, और नंबर 3 लिक्विड फॉर्म। आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर दोबारा, अगर अभी बारिश का मौसम है इसलिए मैं आपको दौड़ा नहीं सकता हूँ, लेकिन कल बारिश हो या तूफान हो, अगर किसी को नहीं आएगा मैं दौड़ा दूंगा। और कल 7:10 के ऊपर कोई नहीं आया उसको ड्यूटी पर नहीं लिया जाएगा, चाहे आंधी हो या बारिश हो या तूफान हो। आपको घर से और रूम से आपको जल्दी निकलना है। कल 7:10 के ऊपर आपको यहाँ पर मिलना है सबको। अगर कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि बारिश हो रही है मैं लाइट भी पहुँचा कोई बात नहीं, लेकिन नहीं चलेगा। जब मैं बारिश में आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते हो। मैं 15 पहले आता हूँ, आप 5 पहले आओ, लेकिन 7:10 के ऊपर। कल नाइट में ट्रेनिंग होगी आप लोगों की, इसलिए कोई भी सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर अपने ड्यूटी के समय 5 पहले पहुंचना है। आपको बोल दिया हूँ 7:10 के ऊपर। अगर कोई नहीं आएगा वक्त पर उसको ड्यूटी पर नहीं लिया जाएगा। बाय ऑर्डर रविंद्र मिश्रा सर। आपको बता दिया मैं, उनका ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर नहीं है। प्रेट सेल